नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर रिजल्ट की अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सीबीएसई बोर्ड की भी मैं बात करूंगा, साथ ही साथ अन्य सभी बोर्डों की भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक और अपडेट दे देता हूं। अपडेट गुजरात बोर्ड से जुड़ी हुई है। बहुत से छात्र आज इंतजार कर रहे थे कि बोर्ड एग्जाम 2022 दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वो खबर झूठी है। आपको अभी लेटेस्ट अपडेट गुजरात बोर्ड की तरफ से आई है और उन्होंने कहा है कि ऐसी खबरों पर विश्वास मत कीजिए कि आज आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। आपका रिजल्ट आज जारी नहीं होगा, आपका रिजल्ट कल भी जारी नहीं होगा। अभी इसे जारी होने में कम से कम 7 से 8 दिन लग सकते हैं, इतने दिन आप इंतजार कीजिए और जो भी ऑफिशियल अपडेट होगी वो आपको यहाँ मिल जाएगी। अभी लेटेस्ट अपडेट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से निकल कर आई है। पहली बार आई है कि रिजल्ट को लेकर उन्होंने अपडेट दिए। साथियों, बोर्ड एग्जाम 2022 सीबीएसई के रिजल्ट का मूल्यांकन फास्ट ट्रैक चल रहा है, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2022 की कॉपियों की जांच शुरू हो चुकी है और इतनी फास्ट हो रही है पिछले सालों की बजाय। इस बार ज़्यादा टीचर लगाए गए हैं इवोल्यूशन सेंटर के ऊपर। सीबीएसई दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट अब जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। यही स्थिति पूरे देश के अंदर है कि रिजल्ट को बहुत ही स्पीड से इस बार निकालने की कवायद शुरू हुई है, क्योंकि इस बार स्कूल वापस जल्दी जुलाई में खोलकर वापस शेड्यूल सुधारना चाहता है बोर्ड, और आपका अगले साल 30% जो सिलेबस कम करने का क्राइटेरिया है वो भी खत्म होने वाला है। साथियों, बात करूं कि बोर्ड ने आदेश दे दिया है कि स्पीड बढ़ा दी जाए इवोल्यूशन की, ताकि जल्द से जल्द बोर्ड का परिणाम जारी किया जा सके और अगली साल को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके। इन तमाम अपडेट के बीच अगर कोई कॉलेज परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे भी बता दूं कि उसकी इस बार कॉलेज के अंदर नियम चेंज कर दिए परीक्षा को लेकर। आप यहां देख पाएंगे आगे भी कोई अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी।